हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं हरबीर सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। तो साथियों, मॉर्निंग न्यूज़ में मैं आज आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट खबरें बताने वाला हूं, जिनका आप वेट कर रहे होंगे। हालांकि आपको एक न्यूज़ पहले ही पता चल गई होगी कि जो कल SSA की TGT वाली मेरिट आ चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप आराम से वो मेरिट निकाल सकते हैं। और साथियों, 3 गुना साथियों को वहाँ पे बुलाया जाएगा, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स के क्वेश्चन आते हैं कि सर हमारा भी लिस्ट में नाम है। और लास्ट टाइम आपने एक वीडियो में देखा भी होगा कि कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि हमारा लिस्ट में नाम है और आर्ग्यूमेंट करने लगे थे मुझसे, बोलने लगे कि आप में ज़्यादा ज्ञान है, कुछ इस तरह की कमेंट्स करने लगे थे। हालाँकि वो बहुत बुरा लगा, लेकिन उनको शायद पता चल गया होगा कि वो गलत थे। तो साथियों, ऐसा नहीं है, अगर लिस्ट सभी की है, अब आप समझ सकते हैं 8 वैकेंसी के ऊपर 2400 बंदे की लिस्ट अगर है तो क्या 2400 लग जाएंगे? नहीं लगेंगे। लिस्ट सभी की है और TGT वाले जो साथी सिलेक्ट होने वाले हैं, आराम से वहाँ पे जाएं और सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अभी हम बात करते हैं DSSB के रिजल्ट के लिए। तो कल धैर्य जी ने एक वीडियो अपलोड करी थी, और जैसा कि आप DSSB का ढुलमुल रवैया देख रहे हैं, अभी भी जारी है। तो इसके लिए धैर्य जी अभी बात कर रहे थे कि अगर DSSB जल्दी से रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि आप देख रहे हैं DSSB का रिजल्ट पिछले काफ़ी टाइम से बंद सा हो गया आना, तो धैर्य जी बोल रहे थे कि अगर रिजल्ट की यही प्रक्रिया चलती रही, इसी हिसाब से रिजल्ट आते रहे, तो साथियों हमें एक बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा और वो ज़रूरी भी है। अगर कोई स्टेप लिया जाता है तो आप लोग तैयार रहें। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल वालों की। स्पेशल वालों के लिए DSSB ने कहा था कि जल्दी ही हम फाइनल मेरिट निकालने वाले हैं, फाइनल रिजल्ट देने वाले हैं और जल्दी ही उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। लेकिन अभी आप देख पा रहे होंगे जो फाइनल मेरिट है अभी तक नहीं आई है। तो साथियों, ये जो प्रक्रिया DSSB की चल रही है बहुत बेकार है, और अगर ये चलता रहा तो मुझे लग रहा है कि कम से कम अगस्त तक आप लोगों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। अभी देखते हैं, जनवरी तक वेट करते हैं। अगर जनवरी तक रिजल्ट DSSB दे देता है तो हम कोई स्टेप नहीं लेंगे, अगर DSSB कुछ रिजल्ट दे देता है TGT के, और देखते हैं क्या होता है। और बात करते हैं NTT की, क्योंकि आपको पता है कि NTT स्पेशल वाले, इनके बारे में कोई जल्दी से बात नहीं करता। होता क्या है कि यूट्यूब चैनल पर यह होता है कि व्यूज चाहिए लोगों को, और स्पेशल और NTT वाले इतने कैंडिडेट्स नहीं है और इनके बारे में बात नहीं की जाती। लेकिन साथियों, ये भी हमारे साथी हैं, इनके बारे में सोचना भी हमारा फर्ज है, और हम इनके बारे में भी जल्दी कोई स्टेप लेने वाले हैं। और साथियों, NTT वाले और स्पेशल वाले, अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग भी वहाँ पर बैनर के साथ आए। अगर DSSB जनवरी तक कुछ रिजल्ट नहीं निकालता है तो फरवरी में हम जाके वहाँ पर एक धरना देंगे ज़रूर, तो आप लोग वहाँ पर सहयोग करें और एक बड़ी भीड़ में आना आपको वहाँ पर। इसके बाद साथियों, आपको पता होगा ग्रुप डी का रिजल्ट आ चुका है, और नाइट में मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि बारिश हो रही थी, और अभी भी आप देख पा रहे होंगे बारिश हो रही है, बाहर आपको आवाज़ आ रही होगी, तो इसी वजह से नाइट में भी वीडियो नहीं आ पाई। जो कुछ कल की न्यूज़ थी मैं आज आपको बता दूंगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूं आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और रही बात हरियाणा की वैकेंसीज की, तो 24 जनवरी को आप जरूर पहुँचे नेहरू पार्क जींद, आप वहाँ पे उन लोगों का सहयोग करें जो आपके हक के लिए और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अपने हक के लिए कोई भी लड़ सकता है, लेकिन दूसरों के हक के लिए लड़ना बहुत बड़ी बात होती है। तो साथियों, आप इन साथियों का जरूर सहयोग करें, और हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा दिल्ली में वैकेंसीज, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारा सहयोग जरूर करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेंगे। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।